वो वीडियो चला को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक कर देना। आपके दोस्त पंजाबी ट्रैकर। इसमें क्या है? बालू। तो भाई सबको अपनी नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम और राम राम, राम राम। आप देख रहे हो कि हमारे पास ये क्या है, ये बहुत ही यूनिक चीज़ है, बहुत ही स्पेशल चीज़ है और इसका क्या यूज़ करने वाले हैं वो तो खोलने के बाद ही पता लगेगा। चारों तरफ देखोगे तो हमारे पीछे फॉरेस्ट है, नदी है और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी अच्छी खासी। लास्ट टाइम आए थे हमें यहाँ पे भालू दिखा था। इस चीज़ का जो यूज़ है वो तभी होता है जब आप किसी ऐसी जगह पर जाए, वो रिमोट जगह है, वहाँ पर जाके आपको कुछ कैंपिंग करनी है। बाकी ज़्यादा नहीं बताऊँगा, पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं तब आपको पता चलेगा। तो दोस्तों आप हमारे बहुत सारे ब्लॉग्स देखते होंगे और हम रहते हैं एक ऐसे एरिया पे जो बहुत ही रिमोट है। तो हम क्या करते हैं, जंगल में जाते हैं, कई बार कुकिंग करते हैं। तो हमारे पास एक आयरन स्टोव है जो है विनर वेल का। ये है कैंपिंग कुकर स्टोव, बहुत ही यूनिक स्टोव है। इसकी क्या खासियत है ये आपको पता लगने वाली थोड़ी देर में। तो इसके साथ ये बैग है, आउटडोर आप इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हो, अपने पूरे कुकिंग स्टोव को इसके अंदर रख के। ये जो बॉक्स है आप इसके अंदर स्टोव को कैरी कर सकते हो। भाई बहुत ही जबरदस्त चीज़ है, बहुत ही यूनिक चीज़ है। कैंपिंग तो बहुत लोग करते होंगे पर ये जो कैंपिंग इक्विपमेंट है ये बहुत ही जबरदस्त है। इसको अभी आपको दिखाते हैं, पूरा खोलते हैं और बहुत ही सही तरीके से इसकी पैकिंग की गई है, तो आप कहीं पे भी इसको मंगा सकते हो। और बहुत ही हैंडी स्टोव है, इसके साथ बहुत सारी एसेसरीज भी हैं, जैसे कि एक इसके ऊपर आती है जो ग्रिल प्लेट होती है वो भी आती है। और ये जलता है पैराफिन ऑयल से या फिर चलता है केरोसिन ऑयल से। आपने बहुत सारे स्टोव देखे होंगे, लोग कैंपिंग करते हैं तो ब्यूटेन से जलाते हैं उसको, उस स्टोव को। वो थोड़ी देर तक ब्यूटेन जलती है, फिर आपको नया सिलेंडर लगाना पड़ता है। पर ये जो सा स्टोव है और इसकी जो फ्लेम है वो बहुत ज़बरदस्त है और आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। जो लोग इसको परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके आप लिंक पर क्लिक करेंगे, वेबसाइट पर चले जाओगे विनर वेल की और वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हो। और अगर आप हमारा कूपन यूज़ करोगे पंजाबी स्पेस ट्रैकर जो लिखा हुआ है यहाँ पर स्क्रीन पर, तो आपको $20 का डिस्काउंट भी मिलेगा।
ये ग्रिल प्लेट है और ये काफ़ी हैवी है, तो इसको हम लगाएंगे इस पे ऐसे। और ये साथ में हमारे एक कह सकते हो भाई, हमारी हमारे देसी भाषा में तो हम इसको कहेंगे चिमटा कह लो, या फिर पोना भी यूज़ हो सकता है इसका एक तरह से। इसको जब हम उठाएंगे तो हम इस तरीके से इसको प्लेट को यूँ उठा सकते हैं, जिससे कि आपका हाथ भी नहीं जलेगा और ये सेफली आप इसको उठा के कहीं भी रख सकते हो। कुछ कपड़े की बत्ती हैं जो एक्स्ट्रा दी हुई हैं, जिनको आप इसमें रीयूज कर सकते हो। अपने नए स्टोव के ऊपर एक ऐसी डेलिकेसी बनाने वाले हैं जो आपने शायद कभी नहीं खाया होगा। आज हम इसमें जो जो चीजें यूज कर रहे हैं वो सब आपके सामने है। पालक के पत्ते, ये थोड़े से सरसों के पत्ते या इसको लाई के पत्ते भी बोल सकते हैं, ये है कुछ फ्रेश हरा धनिया और हरा प्याज। मैं इसको चॉप करूंगी। तो पाजी, बहुत ही यूनिक डिश बनने वाली है और थोड़ी सी साउंड का इश्यू हो सकता है क्योंकि पीछे जो नदी है उसकी आवाज बहुत तेज है। तो भी सारी सब्जी ऑलमोस्ट कट गई है इसके अंदर, बस एक बंद गोभी रह गई जिसे खास यूज होने वाला है। और यहाँ पे जो टमाटर हैं ये भी अपना वेट कर रहे हैं कि मेरा क्या होने वाला है। और ये भी देखो जो अपना स्टोव है, ये विनरवेल इनका ब्रांड लिखा हुआ है, ये इसकी कैप है, ये बहुत ही हैवी स्टोव है और बहुत ही क्लासिक है। तो यहाँ पे डलेगा हमारा पैराफिन ऑयल या केरोसिन ऑयल जो भी आपके पास है। अब इसको बंद करते हैं। यहाँ से इसकी बत्ती है, इसको हम अप एंड डाउन कर सकते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और ये पीतल की है, ये इसकी जो बॉडी है ना जिसमें भी येलो येलो पार्ट दिख रहा है, ये येलो वाला सब पीतल का। ये इसकी ग्रिलिंग ट्रे है और ग्रिल ट्रे के अलावा भी फ्लेम के अपना बर्तन रख के भी यूज कर सकते हो। बड़े जो बत्ती है इसकी जो फ्लेम आएगी ना, जबरदस्त फ्लेम आने वाली है भाई। हम भी उतने एक्साइटेड है इसके अंदर कुकिंग करने के लिए जितने आप लोगों को देख के लग रहा होगा ना कि भाई क्या बनने वाला और किस तरीके से बनने वाला है। यहाँ भूख वाले प्याज है और यहाँ पे धनिया है और वहाँ पे कुछ इसमें हर्ब्स है, प्रीति ने चॉप की है, टमाटर है, यहाँ पे है जी प्याज जो सबके घरों में होते हैं। हर्ब्स हमारी ये है, ये हाँ लास्ट टाइम यहाँ भालू आ गया था, तरह सी आहट होती है, मुझे लगता कहीं पे भालू तो नहीं आ जाएगा। वो देखो भालू का सिर पीछे, देखो पत्थर के पीछे, ये गंगा पहुंच गई वहाँ पे आराम से बैठी हुई है, नदी का मजा ले रही है, पर गंगा को हमारी आवाज ही पहुंच पा रही तो हम क्या कर रहे हैं, बस इशारों में बात कर रहे हैं। और वो थोड़ी गिर भी गई पानी में, उसको शौक चढ़ रहा था नदी क्रॉस करके वहां जाने का, तो नीचे काई है हल्की सी पत्थरों में, तो इसको पैर स्लिप हुआ, पीछे से कपड़े गीले हो गए, वहां जाके सुखा रही है। तो पाजी ये जो बना रही है ना प्रीति, मुझे इसको देख देख के ना भूख लगनी शुरू हो गई है। हमारा लंच थोड़ा सा लेट हो गया है, लेट क्या हो गया, काफ़ी लेट हो गया लंच हमारा, सुबह ब्रेकफास्ट किया था और उसके बाद अब ये जो बना रही है प्रीति कुकिंग कर रही है, अभी इवनिंग के स्नैक्स बनने वाले हैं। तो भाई मुझे को अभी भी पता लगा, मैंने कहा अनाउंस कर दूं ये जो डिश बनाने वाले हैं ना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा था इसका, पर मैंने कहा था कि बहुत ज़बरदस्त डिश बनने वाली है। ये बनने वाला जी डोलमा, ये है डोलमा और ये बनने वाला पहाड़ी डोलमा। और डोलमा बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, हमने अजरबैजान में खाई थी, वहाँ तो नॉन वेजिटेरियन डोलमा था, पर ये आज बनेगा वेजिटेरियन डोलमा। तो ये सब अपनी जो मम्मियाँ हैं अपने बच्चों को खिला सकती हैं, बहुत ही पौष्टिक बनने वाला है। तो जो आज हमारा पहाड़ी डोलमा बनने वाला है ना, वो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आने वाला है उसका, क्योंकि उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं जो पहाड़ से निकली हुई हर्ब्स हैं, पहाड़ से निकली हुई सब्जियाँ हैं और पहाड़ का पानी है। अब ऊपर देखो जी सूरज देवता ऑलमोस्ट चले गए हैं। और ये कुछ मैंने लहसुन छील दिए,
अब इसमें छोटा छोटा लहसुन जो है वो भी हम चॉप कर लेंगे, क्योंकि इसमें लहसुन का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो जो आज हम डोलमा बना रहे हैं, इसमें हम कुछ अपना देसी तड़का लगाने वाले हैं। कब तक चुप बैठे, अब तो खिला दे डोलमा। ठंड भी बढ़ गई है, जहाँ जहाँ धूप है वहाँ अभी भी हल्की हल्की गर्माहट है, पर हमें जो अब ठंड लगनी शुरू हो गई है, क्योंकि जो नदी है, नदी से भी देखोगे तो ठंडा पानी है, उसके साथ ठंडी हवा इधर को आ रही है। आप अब इसको आयरन स्टोव को जला सकते हो। जोर लगा के रईसा, जितना हो सके बारीक करना हमने इनको, छोटा छोटा कटेगा उतना ही उसको स्टफ करने में बहुत आसानी रहेगी। तो ये थोड़ा सा बड़ा साइज है, मैं इसको थोड़ा और छोटा करूं। तो ये जी इसका ढक्कन निकाल दिया हमने। तो भैया था हमारा नेचुरल जूना, ड्रिल पिट को धोया है, और बड़ा डिफरेंट आइडिया था प्रीति का। मैंने पूछा क्या करे, घास को तोड़ रही है। तो भाई पहले तो जब भी हम कोई नया बर्तन यूज करते थे तो ज्यादातर राख से हम बर्तन को धोते थे, तो राख दी थी, तो मैंने मिट्टी और घास को लेके और पानी, नदी के पानी से इसको अच्छे से धो दिया, ताकि इसके ऊपर कुछ भी अगर गंदगी हो वो साफ हो जाए। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि तेल डालने के बाद जो बत्ती होती है उसको पूरा का पूरा अंदर ले जाओ, मतलब बिल्कुल बिलो द केरोसिन लेवल, तभी वो बत्ती भीगेगी, वो सोख लेगी केरोसिन को, फिर उसको आप ऊपर ले जाके फिर उसमें आग लगाएं। हवा भी बहुत तेज चल रही है ना। तो लो भी बत्ती हमने जला दी है इसकी। पहले थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हुआ क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है, बट उसके बाद ये बिल्कुल ही सही जल रही है, एकदम जैसे इसको जलना चाहिए। तो भाई लोकेशन थोड़ी सी चेंज हो गई है, क्योंकि वो जो साइड थी जहाँ पे अभी गंगा बैठी हुई है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हवा चल रही थी, तो जो हमारा स्टोव है उसकी जो फ्लेम थी बहुत ही हिल रही थी इधर उधर। अब हम जब कुकिंग करने जा रहे हैं तो हमने स्टोव को थोड़ा सा इधर ले आए हैं, गंगा मेडिटेशन में लगी हुई है, तो इसमें डाल रही हूँ नमक। पानी गर्म हो गया है, आप देख सकते हैं इसमें हल्के हल्के बबल्स आने शुरू हो गए, दैट मींस कि इसमें जो हीट की जो पावर है वो अच्छी है। अब इसमें मैं ये डाल रही हूँ नमक। ये हमारी कैबेज और इसके जो पत्ते है ना, इसका मैं यूज करने वाली हूँ इस डिश के लिए। मुझे ये पत्ते चाहिए, ये मैंने पत्ते इसमें डबो दिए। इन पत्तों को हमने इतना उबालना है कि बस ये थोड़े से नरम हो जाएं, क्योंकि अभी ये थोड़े से हार्ड है। तो भी तीन पत्ते चले गए इसके अंदर, एक और डाल, एक और डालेगी। अरे भूख लग गई प्रीति, खवा दे डोलमा उनते। ढक दिया मैंने, अब 10 मिनट के लिए लगभग ये उबलते रहेंगे, थोड़े से नरम हो जाएंगे। जब ये नरम हो जाएंगे उसके बाद हम इसका यूज करेंगे। ये पनीर को ना कद्दूकस करना है इस पे, ठीक है। लो भी गंगा के मैदान में आ गई। अब कहते मम्मी बताओ क्या हेल्प करनी है, ताकि जल्दी जल्दी हमारे डोल में बन जाए। और यहाँ हमारी जो सी बंद गोभी है ऑलमोस्ट उबल गई है और बिल्कुल झिल्लीदार प्लेन होगी एकदम। और गंगा देखो बच्चे हैं जो उनसे अपने थोड़े से ठंड का ख्याल नहीं रखते, अब इसको ठंड लग रही थी इसको, तो मैंने कोई नहीं भाई तू मेरी जैकेट ले ले, मैं जरा प्राणी हूँ गर्म प्रवृत्ति वाला। पानी में तो उबाला आना शुरू हो गया।
आज घूम फिर कर पानी में, घूम फिर पानी में। और अब शाम होने वाली है और ये फिर गीला हो जाएगा पूरा। और ये बात है कि ये ध्यान रखता है, कहीं भी इसको कुछ भी स्मेल आती है ना, फटाफट उधर भागता है और देख के आता है कि कुछ खतरा तो नहीं है। क्या ये ऑयस्टर के शेल लग रहा है, पत्ते कुछ सॉफ्ट हो गए हैं, इनको मैं साइड में रख देती हूँ। और अब हम इस पे रखेंगे अपनी ग्रिल प्लेट जो ये स्टोव के साथ आती है, इस पे सेट हो गई। हम अपने पत्ते अभी इसी में रहने देते हैं। अब हम इस बाउल में सारा जो भी हमने स्टफ तैयार करने के लिए चीजें काटी है ना, तैयार करी है, वो सब हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो गंगा मेरी हेल्प करने वाली है, गंगा मेरी हेल्प कर बेटा। ओके चल, अब इसमें डालो सबसे पहले हरा प्याज, थोड़ा धनिया, सारा डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल दो बस। अब धनिया लो, धनिया लो, ये पालक और लाई के पत्ते भी डाल दो इसमें, हरा प्याज, क्योंकि गंगा को थोड़े से हरा नहीं है, लाई के लाल प्याज। हाँ ये लाल प्याज, मेरे को मिस्टेक मेरी पकड़ ली गंगा ने है। चलो अब इसमें पनीर डाल दो बस, और नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर उसको हम जूस में और यूज कर लेंगे। भाई पनीर देख तो मुंह में पानी आ रहा एकदम, काफी सेटिस्फाइंग लग रहा है। डालेंगे जी इसमें मिर्च, ये है लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स भी कहते हैं, ये है काले मिर्च, ब्लैक पेपर, नमक ऑब्वियसली, ये है रोजमेरी जो मैंने की सुखा के इसको मैंने चूरा कर लिया था, इसका पाउडर बना लिया, ये रोजमेरी है। अब डालेंगे नमक, थोड़ा सा तिल का तेल और थोड़ा बेटा गार्लिक, थोड़ा। तो भाई माँ बेटी की जोड़ी आने से काम जल्दी जल्दी हो रहा है, हाथ से मिक्स कर रहा है अच्छे से। आप इसको ऐसे भी खा सकते हो। ग्रिल प्लेट का हम पूरा यूज करने वाले हैं। ये गया जी इस पे ऑयल, ये गए हमारे पनीर के स्लाइस। अरे वाह, जय बात। इस पे आप कुछ भी कर सकते हो ग्रिल, जैसे कि आपको चिकन करना है वो भी ग्रिल कर सकते हो, चाहो तो आप इसमें कबाब भी ग्रिल कर सकते हो। ये जो लहसुन है ये भी इस पे डाल रही हूँ मैं, इसका अपना फ्लेवर आएगा। इस पे नमक मिर्च डालेंगे पर ग्रिल करते हो? डालेंगे, सब कुछ डालेंगे। आप चाहो तो इसको मैरिनेट करके भी डाल सकते हो और इसके ऊपर से भी डाल सकते हो उसपे। वाह, खुशबू आनी शुरू हो गया भाई। मेरी हर्ब्स कहाँ गई? ये रही, ये गया थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, मेरी आंख में भी आ रही उड़ के हवा के साथ, कजरावी हो जाएंगी। तो ये तुम्हारी सूझबूझ है, आप इस पे क्या क्या बना सकते हो, खा के मजा आ जाएगा। और वैसे भी जब ऐसे वातावरण में बैठ के आप कुछ भी पका के खाने वाले हो ना, चाहे उसमें एक हल्का सा नमक में डाल दो और कुछ भी डालो, तो भी वो चीज इतनी टेस्टी बनती है ना कि मुंह में पानी आ ही जाता है। अच्छी भी आ गया भाई, अच्छी खुशबू आ गई है। पकड़ो, 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 पकड़ो। पलटना ही पड़ेगा। हाँ पलटेंगे इसको। लो भाई, अब हमारी भूख है चरम सीमा पे आ गई है, जंगल में मंगल हो रहा है आज तो। अभी और करा रहा होगा। तो पाजी अब शाम होगी अच्छी खासी, ये टोपी ठीक कर लूँ पहले मैं अपनी, अभी लग रहा है अंधेरा ही हो जाएगा। तो आउटडोर वाइल्ड लाइफ की जो कुकिंग होती है, वाइल्ड कुकिंग होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, थोड़ा हम घर से लेट निकले, इसके लिए सुबह आपको निकलना चाहिए कम से कम 8 बजे, तो जाके भुगतोगे आप लंच टाइम तक। पर कोई नहीं, कहते कि हिम्मत करने वाले की हार नहीं होती और मेहनत करने वाले के स्वाद ही मिलते हैं। फिर तो मैं ये कुछ बॉयल्ड राइस लेके आई थी, उबले हुए चावल है,
ये भी इसमें मिक्स करने थे तो मैं भूल गई थी, ये आपकी ऑप्शनल है, लेकिन इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो थोड़े से मैं ये चावल भी डाल रही हूँ इसमें। हाँ भी वाइल्ड लाइफ ऑब्जर्व कर रहा है, कई भालू भेड़िया शेर चीता तो नहीं आ रहा यहाँ पे, चीते तो नहीं होते, हाँ शेर होते हैं, बाघ बोलते हैं, जंगल ही है ऊपर। पानी अच्छे से झाड़ लो। तो आप देखोगे ट्रांसपेरेंट हो गए ये, अब इसमें स्टफिंग होगी, प्रीति करेगी स्टफिंग इसके अंदर और फिर हमारे मुंह में जाएंगे ये। सबसे पहले थोड़ा चक्कू से मैं इसका जो हार्ड वाला पार्ट है ना ये हल्का सा काट रही हूँ ताकि इसको फोल्ड करने में हमें दिक्कत ना आए। भाई देखो कारीगरी हर चीज के अंदर, नॉलेज हो तो पूरी हो। और कारीगरी ऐसे ही नहीं आती, कारीगरी के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए होती है, जिज्ञासा भी चाहिए होती है, क्योंकि जब तक आप शुरुआत नहीं करते किसी चीज की तो आपको वो चीज डिफिकल्ट लगती है। तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा था पहले बनाने से पहले कि बहुत डिफिकल्ट हो सकता है आज मेरे लिए ये रेसिपी। नहीं टाइम कंज्यूमिंग तो है ही है, हाँ, पर देखो मेहनत करोगे तो मजा आएगा। लेकिन ये बात है कि जब वो चीज बन जाती है और आपको लगता है कि हाँ चाहे 100% नहीं आपने 90% उसको अच्छा बनाया तो आपको उसी में बहुत खुशी मिलती है। तो ये जी हमारे जो गोभी के पत्ते हैं बंद गोभी के ये खुल गए ऐसे। अब हमने ये स्टफ लेना है, ये हमने डाला इसमें ऐसे, ये गया इसके अंदर हमारा मिक्सचर हर चीज का। इसको ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे किया और फिर ऐसे किया और इसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया और यहाँ से इसको बंद कर दिया। यम्मी। ये आ गई जी हमारी डोलमे की रोल। जाहो भाई देख लो देख लो देख लो डोलमा। बाकी बड़ी जबरदस्त चीज बन रही है भाई। ये हमारे बन रहे हैं जी पत्ते गोभी के रोल, पहाड़ी डोलमा। देखो क्या पूरा ये ट्रांसपेरेंट है, कोई चाहो तो कीमा भी भर सकते हो। ऐसे किया, फिर इसको ऐसे किया, यहाँ से फोल्ड किया और फिर इसको ऐसे रैप कर दिया और यहाँ से इसका कर दिया मुंह बंद। वाह भाई वाह, बहुत ही सेटिस्फाइंग लग रहा है, देख देख के मुंह में पानी भी आ रहा है। ये देखो जी यहाँ क्या खुशबू आ रही है, वाह भाई वाह, अरे वो जबरदस्त गंगा आ जाए, बड़ा तगड़ा माल बन गया। लो भी आची के मुँह में पानी आना शुरू हो गया, आची गंगा को वहाँ छोड़कर यहाँ पे आ गया सही जगह पे अपनी। ये जो डोलमे है इसको वैसे भी खा सकते हैं उबले हुए, बट इसको हम थोड़ा सा सेक लेंगे। सारे लहसुन जो इसमें ग्रिल हो गए अच्छे से भुन गए हैं तो मैं उनको भी निकाल रही हूँ क्योंकि इसमें उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, करारा करारा सा। और भाई कैंपिंग के लिए अगर इस तरह की चीज आपके पास होना, जब भी आप कैंपिंग करने जाओ तो ये बेस्ट चीज है मुझे लगता है कुकिंग के लिए। अगर आप कहीं आग भी जलाते हो तो थोड़ा सा रिस्क रहता है जंगल में कहीं भी आग जलाते वक्त, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें ना एक्सपीरियंस चाहिए और लकड़ी भी मैनेज करनी पड़ती है। ये इजी टू कैरी है ये, बट आप इसको कहीं पे भी लेके जाके और कहीं पे भी आग जला के और आप इस पे कुछ भी बना सकते हो। अब मैं इसमें अपने डोल में जो है ना वो इसमें रख दूंगी। ये हमारे गए बंद गोभी के रोल, डोलमा, कैबेज रोल, पहाड़ी रोल, मजा आ रहा है इनके नाम देने में। राम से भाई घुटने बोलिए हैं, अकड़ के घुटने, गंगा आजा बेटा। फाइनली लो भाई पीछे है नदी और यह है हमारा पनीर, बढ़िया यम्मी वाला क्रिस्पी क्रिस्पी। आओ भाई गंगा खा के देखो। अच्छी ले बेटा
अब जो कच्चा देंगे, कच्चा पनीर देंगे तेरे को, तेरे को दूसरा देती हूँ ठीक है, कि वो ना मिर्ची है, मिर्ची लग जाएगी तुझे बेटा। ये गंगा इसको दे उधर जाते, इसको पलटना ही पड़ेगा भाई। क्या बात है जी, क्या बात जबरदस्त। जिस ट्विस्ट की मैं बात कर रही थी वो ये था, ज्यादातर जब हम डोलमा बनाते हैं ना, या आप कहीं खाओगे तो उसको ऐसे स्टफ करके उसको स्टीम करते हैं और उसके ऊपर कुछ सॉस वगैरह डाल देते हैं। बट हमने क्या करा, हमने कहा इसको आज ग्रिल करते हैं बजाय इसको स्टीम करने के, क्योंकि ये सॉफ्ट तो ऑलरेडी था, तो इसलिए हमने इसको ग्रिल कर दिया। ग्रिल करके आपको आवाज आ रही होगी भाई, एक सॉस बनानी थी टमाटर की हमने, वो चीज रह गई है। उसका कारण ये है कि बिल्कुल शाम हो गई है और यह जंगल जंगलात का मामला है, यहाँ भालू भी हैं, यहाँ पे बाघ भी हैं और हमें अब निकलना है यहाँ से। पर उससे पहले अपने डोलमा जू ट्राई करना हमने, बस अब डोलमा बनने वाला है हमारा। वो आ जाओ भी, आ जाओ फटाफट, आ जाओ जल्दी लाओ डोलमा, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, उतार उतार ले आ, बस ले आ भाई। पंगड़ा पाके थोड़ा जा अपना नचले कूद लिए, भूख थोड़ी और बच जाएगी, फिर खावांगे अच्छी डोलमा, फिर ऐसे सारी साड़ी आएगी टोलना, ऐ टोलना नहीं है डोलमा, ऐ टोलना नहीं ऐ है डोलमा, नदी किनारे पहाड़ा के अंदर असी खाना है डोलमा। आ जाओ भी, आ जाओ, कम बेबी कम, गिव मी डोलमा। आ गया डोलमा वाला, आ गया, आ जा भी, आ जा। लो जी, ऐ जी साडा डोलमा जंगल, ऐसा में डोलमा पहले गंगा ट्राई करेगी। डोलमा गंगा ट्राई, ये ग्रिल वाला डोलमा गरम है बेटा, ध्यान से खाना। कैसा? यम्मी। हम भी ट्राई करते भाई, एक अब बाहर नहीं जा रहा। बहुत अच्छा बना है, खाओ खाओ, इतना जूसी है। अच्छा ना। जो इसका रस है ना वो टपक रहा है, और मुझे लग रहा है मैंने बहुत डिफरेंट चीज बनाई, डिफरेंट तरीके से बनाई और डिफरेंट चूल्हे पे बनाई। तो ये जो डिफरेंट चूल्हा है ना, मुझे इस पे आज कुछ नया बना के बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर अगर आप ट्राई करोगे ना इस पे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, और आप अपनी मर्जी से कुछ भी नया ट्राई कर सकते हो, वही टेस्टी लगेगा। तो भाई तो बस अब पैकिंग करने निकलना, अंधेरा होने वाला, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। से वीडियो चला को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक कर देना, आपके दोस्त पंजाबी ट्रैकर। तो देखते रहिए पंजाबी ट्रैकर। गंगा के मुंह में अभी काले काले वाले तो ये ट्रे काफी गर्म हो जाती है, जब भी उठाना है ना तो आपको ये ऐसा एक हैंडल दिया जाता है विनर वेल की तरफ से ही, इस हैंडल को ऐसे आपको अटकाना है इसमें, और इसको आप इजिली उठा के कहीं पे भी रख सकते हो ऐसे। ये लो को धीरे धीरे नीचे कर दो जब आपको यूज नहीं करना, और फूंक मारो ऐसे।